हाय चिल्ड्रन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए नोटबुक पेंसिल इरेजर और बुक के साथ। चलिए, हमारा क्लास कौन सा है? क्लास LKG है। और सब्जेक्ट क्या है? मैथ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यानी कि वंस टेंस और एडवांस पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कुछ बनाने के लिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बनाया होगा। चलिए आज हम लोग पहले से मैच कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या पढ़ना है। तो चलिए आप लोग बुक खोल लीजिए। बुक में हमारा पेज नंबर 36 था। चलिए आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 36 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए पेज नंबर 36 था। इस साइड का मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था होमवर्क, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जरूर बनाया होगा। चलिए आप लोग पेज ओपन कीजिए, मैं मैच करवा देती हूँ। पेज नंबर है 36। हमें टेंस एंड वंस दिया हुआ है और टेंस एंड वंस के क्या बनेगा वो नंबर हमें लिखना है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप बुक ओपन कर लीजिए। फर्स्ट में हमारा 2 टेंस एंड 2 वंस। यानी मैंने बताया था आप लोगों को 10 वंस मिलके 1 टेन बनाता है, यानी कि 10 सिक्का आपके पास है तो 10 सिक्का, 1 का 10 सिक्का तो आप एक्सचेंज करते हो किसी से नोट से, तो आप 10 सिक्का किसी को दे रहे हो तब आपको 1 नोट मिलता है 10 का। उसी तरह 10 सिक्का के बराबर 1 नोट होता है ना, यहाँ पे यानी 10 का 2 नोट दिया हुआ है। टेन मान लीजिए नोट है, 10 का नोट है, 2 चेंज यानी कि 2 10 का नोट। तो 2 10 का नोट अगर आपके पास होगा तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 यानी कि 20 रुपीज़ और 2 रुपीज़ का सिक्का है, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। नेक्स्ट है 3 टेंस एंड 3 वंस। 3 टेंस यानी 3 10 का नोट। 3 10 का नोट होगा तो आप लोग आता है कितना होगा 30 रुपीज़, और उसमें 3 रुपीज़ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 एंड 3। लेकिन 30 एंड 3 कितना हो जाएगा 31 32 33। नेक्स्ट है 6 टेंस एंड 0 वंस। 6 टेंस एंड 0 वंस। 6 टेंस 60 और वंस कुछ भी नहीं है, 0 है तो डायरेक्टली आप कब लिख देंगे 60। चलिए 6 टेंस एंड 0 वंस इक्वल टू 60 हो गया। नेक्स्ट है 2 टेंस एंड 5 वंस। 2 टेंस एंड 5 वंस क्या हो जाएगा 2 5। देखिए 2 टेंस एंड 20 और 5 2 5 25। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 25। नेक्स्ट नंबर है 8 टेंस एंड
11, 1. एट सेवन क्या हो जाएगा? 87. हम लोग क्या क्या लिखेंगे? 87. तो चलिए पहले आप लोग ये बुक में मैच कर लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट बताते हैं सीरियस करके. आप लोग फटाफट से नोट कीजिए और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, तो नोट कीजिए इसे. Our 9, 10th and 8th ones. 9, 10th and 8th ones. 9, 10th and 9, 8th kya ho jayega? 98. Next have 1, 10th and 4 ones. 1, 10th and 4 ones. Mili kita kya hoga? Kita banega? Kaun sa number banega? 1, 10th and 8, 10th ka not or 4 ones. Mali je 4 sit kya do. आपके पास 10 है, तो यानी 10 रुपये हो गए, और 4 रुपये है 10 चार 14, यानी कि 1414. नेक्स्ट है 6 टेंथ एंड 1 वन. 6 टेंथ एंड 1 वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 टेंथ में 60 और 1 6 बार 61. नेक्स्ट है 4 टेंस एंड 6 वन. 4 टेंस एंड 6 वन क्या हो जाएगा? 4 टेन यानी 4 एंड 6 46. लास्ट है 7 टेंस एंड 2 वन. 7 टेंस एंड 2 वन मिलकर क्या बनेगा? 7 टू 72. चलिए इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं क्या पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में. आप लोग इसे फटाफट नोट कीजिए. नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एडिशन यानी प्लस करना. सबसे पहले ध्यान दें एडिशन क्या होगा. मान लीजिए आप लोग खेल रहे हो, दो यानी दो के ग्रुप में दो बच्चे हो, यानी दो या चार. मान लीजिए आप चार बच्चे खेल रहे हो, कहीं पे खेल रहे हो और स्टूडेंट खेल रहे हो, और एक और स्टूडेंट अगर वहाँ पे आ जाए तो वो भी बोलता है मैं भी खेलूँगा. फोर और टोटल को काउंट करोगे तो आप लोग पहले से फोर और वन आ गया, तो फोर और वन क्या हो जाएगा? काउंट करोगे. मान लीजिए यहाँ पे आप फोर स्टूडेंट खेल रहे हो, ये प्लस का साइन होता है एडिशन. और वन स्टूडेंट अगर मान लीजिए आ रहा बोला मैं भी खेलूंगा, तो कितने हो जाएंगे? ये तो फोर है और ये वन है. देखिए फोर है तो वन टू थ्री फोर, और वन है तो वन. लाइन ड्रॉ करके हम लोग काउंट करते हैं कि कितने स्टूडेंट हो गए टोटल. तो वन टू थ्री फोर फाइव, कितने हो गए? फाइव. सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर मैं थ्री यानी फिंगर काउंटिंग करती हूँ, यानी एडिशन में फिंगर काउंटिंग होता है. देखिए यहाँ मेरे पास इस साइन में थ्री फिंगर और इसमें टू फिंगर, यानी थ्री और टू को हमें ऐड करना है, तो कितना होगा? तो चलिए हम लोग ऐड करके देखते. देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री एंड थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा? फाइव. मान लीजिए टू प्लस टू है,
चलिए टू प्लस टू को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, तो हैंड आप लोगों के अपने हैंड में दो यानी टू निकालना है, तो एक हैंड में टू निकालिए। चलिए उंगली में मैंने टू निकाल लिया, और टू प्लस टू यानी टू में टू ऐड करना है, तो चलिए दूसरे वाले में भी टू निकाल लिया। काउंट कीजिए, इसे मिलाइए सबको, अब कितना होता है काउंटिंग आता है, आप लोग काउंट कीजिए। देखिए वन टू थ्री फोर, टू प्लस टू कितना हो जाएंगे फोर। एडिशन समझिए यानी कि प्लस ऐड करना, एडिशन होता है। आपके पास मान लीजिए दो चॉकलेट है, टू चॉकलेट है, और आपकी सिस्टर आपको दो और देती है, तो आपके पास चलिए कितने हो जाएंगे, आप लोग काउंट कर सकते हो, उसे ऐड करके बता सकते हो कितने हो जाएंगे। आपके पास दो पहले से था, दो आपको मिला, चलिए टू और टू कितना होता है फोर हो जाएगा। टू ये मान लीजिए ये टू आपके पास ट्रॉफी था, और ये टू आपकी सिस्टर ने दिया था, दोनों का ऐड करोगे कि टोटल आपके पास कितने में, तो वन टू थ्री फोर, कितना हो गया टोटल फोर। इसी तरह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर 23 में एडिशन बाय काउंटिंग, यानी काउंटिंग के थ्रू हमें एडिशन करना है, तो कुछ फिगर दिए हुए इसे काउंट करके लिखना है और देखना है कि टोटल कितने होते हैं ऐड करके। चलिए पेज नंबर थर्टी एट, आप लोग पेज नंबर 38 ओपन कर लीजिए। चैप्टर 23 है एडिशन बाय काउंटिंग, बाय काउंटिंग, काउंटिंग के थ्रू हमें एडिशन बनाना है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा। आप लोग बुक देख सकते हो, मैं फर्स्ट एग्जांपल बता देती हूँ, फिर आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है ये, यानी कि यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए, इसे हमें काउंट करके इस बॉक्स में लिखना है, फिर ये इस ऑब्जेक्ट को लिखना है, टोटल कितने होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, काउंट एंड राइट द नंबर, क्वेश्चन हमारा काउंट एंड राइट द नंबर, यानी कि हमें जो ऑब्जेक्ट दिया उसे गिनना है और लिखना है कि टोटल कितने हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बॉक्स में दिया हुआ ये हमें बना हुआ कुछ कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो देखो दो ग्रुप में दिया हुआ है, तो देखिए दोनों ग्रुप को मिला के दोनों ग्रुप को हम ऐड करते हैं, तो टोटल कितना आता है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। और ये सेकेंड ग्रुप है, टोटल कितना हो जाएगा, और टोटल मिला के पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ हमें और लिखना है यानी पूरा लिखना। चलिए हम लोग काउंट करते हैं फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं, तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, कितने ऑब्जेक्ट हैं फाइव, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे फाइव, प्लस है तो प्लस, यानी प्लस का साइन दिया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ काउंट कीजिए वन टू, चलिए फाइव प्लस टू क्या हो जाएगा, तब हम लोग सबको एक साथ मिलाकर एडिशन यानी एड मिस क्या होता है मिलाना, मिलाते हैं एक साथ, तो देखते हैं कितना आता है। तो देखिए मिलाकर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितना आ गया सेवन, तो हम लोग टोटल कितना हो गया सेवन, दिया क्या लिखेंगे सेवन, एडिशन यानी मिलाना, तो दोनों को हम लोगों ने मिला दिया। दिया फर्स्ट ग्रुप था, ये सेकेंड ग्रुप था, बोला था एडिशन यानी प्लस करने के लिए, काम करके टोटल नंबर लिखना था, तो हम लोगों ने इसे मिला दिया, तो कितना आया सेवन, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी तरह आप लोग देख सकते हो, चलिए मैं बुक में ही बनवा देती हूँ, आप लोग चलिए ट्राई कीजिए बनाने, कोशिश कीजिए बनाने के लिए। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कोई गिफ्ट बॉक्स है, तो यहाँ देखिए कितने गिफ्ट, फर्स्ट ग्रुप में कितने गिफ्ट बॉक्स है, आप लोग भी बुक ओपन कर लीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए वन टू थ्री फोर, कितने हैं फोर है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे फोर। नेक्स्ट है सेकेंड ग्रुप में, देखिए वन टू, कितने ऑब्जेक्ट हैं टू, अब दोनों को काउंट करना है यानी मिलाना, एडिशन यानी, तो देखिए ऐड करना, तो हम लोग दोनों को मिलाकर
पहला काम कर लेते हैं, टोटल जो आएगा उसे हमें ऑल में लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हो गए, 6 कम हो गया, तो क्या लिखेंगे 6। नेक्स्ट हमें यहाँ पेंसिल का ग्रुप दिया हुआ है, तो देखिए फर्स्ट ग्रुप में कितने पेंसिल्स हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 कितने पेंसिल्स हैं, 5। नेक्स्ट यानी सेकेंड ग्रुप में 1 2 3। अब चलिए टोटल काम करते हैं, टोटल को ऐड करते हैं कितना मिलेगा हमें, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना मिला, 8 कम हो गया, क्या लिखेंगे 8। नेक्स्ट है यहाँ देखिए इंसेक्ट्स दिया हुआ है, तो देखिए कितने इंसेक्ट्स है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 कितने हैं, 4। 1 2 3 4 5 इस ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में 5 है, फर्स्ट ग्रुप में 4 है, दोनों को ऐड करना है, मिलाना है कि टोटल कितने हुए, दोनों ग्रुप मिलाकर टोटल कितने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए, 9। तो चलिए इस ग्रुप का जो मैंने बता दिया यहाँ देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 कितने हो गए, 7। इस साइड का मैंने आप लोगों को बता दिया, और इस साइड का आप लोग होमवर्क में खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में मैच करवा दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए आज का क्लास हमारा फिर नहीं एंड होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और जो भी आप लोगों को होमवर्क मिलता है उसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया है खुद से बनाने के लिए, खुद से कोशिश कीजिए, बन ही जाएगा।